फिल्म का डार्क हाउस फिल्म का डायरेक्टर हूँ रफ़त अब्बास अली, और मैं इससे पहले काफ़ी शो लिख भी चुका हूँ, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और टेढ़ी बात, काफ़ी कॉमेडी सब्जेक्ट भी लिखे हैं मैंने। फिल्म पहली बार हॉरर फिल्म कर रहा हूँ। किस तरह की मूवी है? एक्चुअली देखिए, हॉरर फिल्म किस तरीके से, सबका तो जॉनर तो एक ही रहता है, लेकिन एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई मैसेज नहीं होता हॉरर में, सबका मैसेज एक ही होता है, वह है एंटरटेनमेंट। और हॉरर है तो ऑफकोर्स पब्लिक इसलिए देखने जाती है कि भाई हमें हॉरर मतलब डर कैसे लगेगा, मैं नॉर्मली तो मतलब सभी लोग हॉरर फिल्म बना रहे हैं, हमारी इस फिल्म में नया यह है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है हमारी फिल्म के अंदर, और मज़ा आएगा करने में। जैसे सब फिल्में हॉरर फिल्में हैं, यूए सर्टिफिकेट होती हैं, चाहे पुराना मंदिर ले लो, दरवाजा ले लो, तो इसमें क्या फैमिली के साथ देख सकते हैं? 100% हम फैमिली के लिए ही बना रहे हैं। अब जैसे कि वो 90-20 मूवी आई थी तो फैमिली नहीं देखी, कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक्सपोज करके ही या ये मूवी बना के ही हम लोग फिल्म रिलीज करें, एक थॉट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम एक्सपोज करेंगे तभी पब्लिक आएगी, और हॉरर को जरूरी नहीं है, डर तो हम कभी भी लग सकता है, हम घर में अकेले हो तो हमें डर लगता है, तो उस समय तो हमें एक्सपोज दिखता नहीं, उस टाइम तो डर ही लगता है, तो वैसा ट्रीटमेंट किया हमने। हॉरर फिल्मों के अगर गॉड फादर माना जाए तो राम से ब्रदर्स ही हैं, उन्होंने ही इस इंडस्ट्री को हॉरर दिया है। नहीं, वो आराम से बैठ गए हैं, अभी काफ़ी बना चुके हैं। देखिए ऐसा होता है, मैन होता है जोनर के ऊपर, जनरेशन जैसे जैसे चेंज होती है हमारी, वैसे वैसे एक हमारा जनरेशन डायरेक्शन में भी डिपार्टमेंट में भी चेंज हो जाता है, सोच के ऊपर निर्भर है। पहले इतने टेक्निकल हमारे मजबूत नहीं थे, लेकिन अब देख लो अपना विक्रम भट्ट भी हॉरर में आ गए हैं, सब नई नई टेक्निशियन के साथ आ गए, जनरेशन के साथ आ गए, सब्जेक्ट लेकर आए हैं, तो वो है कि नहीं अपन। एक लाइन में इस फिल्म की स्टोरी ये है कि ये हॉरर है। देखिए इस फिल्म की स्टोरी मतलब इन फिल्मों की अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितनी हॉरर फिल्में सबका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है, डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के ऊपर कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। एक हॉरर था जो नॉर्मली चला गया, अरे एक होता है नॉर्मली जो डरा के चला गया, तो हमारी फिल्म का जो मेन सब्जेक्ट है वो है एंटरटेनमेंट और हॉरर। ठीक है जी।